Good morning, dear students. I hope you all are fine at your home. So as you all know that we are studying about the methods of asexual reproduction. Means what are the ways by which asexual reproduction can be done. So today I am going to teach you the last method in this process, that is the vegetative propagation. So what is vegetative propagation? New plants are obtained from the parts of old plants like stems, roots and leaves without the help of any reproductive organs. Means the vegetative parts are used for the production of the new plant. किसी भी आपका प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं लाइक आपका फ्लावर हो गया, बड हो गया, लीव्स, स्टेम, रूट्स, उनसे जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है. बहुत कॉमन ये आप जनरली देखते भी हैं, डे टू डे लाइफ में भी यूज किया जाता है इसका. व्हेन आई विल गिव यू एग्जांपल्स देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट. So it this method vegetative propagation, it can be done by two means. It is of two types, that is natural and artificial. Natural vegetative propagation is the one which occurs naturally. उसमें हम कुछ नहीं करते हैं. Naturally by nature जो अपने आप new plant develop हो जाता है, that is the natural vegetative propagation. And artificial vegetative propagation is obviously done by the artificial means. So first let us discuss about the natural vegetative propagation. Natural vegetative propagation can be occurred by roots, by stems or by leaves. Means if a new plant is reproducing by the roots of the old plant, किसी भी ओल्ड प्लांट की रूट में से अगर न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है देन इट इज द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विच इज डन बाय द रूट्स. लाइक मिंट रिप्रोड्यूसेस नेचुरली बाय रूट्स. रूट्स से मिंट जो रिप्रोड्यूस हो रहा है इट इज द एग्जांपल ऑफ द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. स्टेम से क्या ग्रो होता है? शुगर केन, जैस्मीन एंड वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज ऑफ द मनी प्लांट. मनी प्लांट आप लोगों ने देखा होगा. मनी प्लांट जब हम अपने घर में लगाते हैं देन व्हाट वी डू, हम कोई जो ओल्ड मनी प्लांट होता है उसमें से हम एक छोटी स्टेम ले लेते हैं. बट द कंडीशन इज द स्टेम मस्ट हैव वन लीव. लीव मीन्स उसमें नोड होना जरूरी है स्टेम में. नोड क्या होता है? नोड मान लीजिए सपोज दिस इज द स्टेम एंड दिस इज द लीव. सो दिस पोर्शन where the leaf is attached with the stem of the plant. Leaf जहाँ stem से attach होती है, this is the node. तो node होना जरूरी है. अगर node नहीं होगा then the new plant will not produce. तो money plant जब हम grow करते हैं हम क्या करते हैं? old money plant की stem लेते हैं जिसमें एक leaf भी हो तो चलेगा. then we put that stem in the water. हम उसको water में रख देते हैं. तो after some time what we will see, जो यहाँ पर नोड है यहाँ से और न्यू लीव्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं. सो इट इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मनी प्लांट विच ग्रोज नेचुरली विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू द स्टेम ऑफ द ओल्ड प्लांट. तो ये एक जो मनी प्लांट ग्रो हो रहा है बाय दिस मेथड, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है. और भी एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, इट इज दी ऑफ दी पोटैटो. पोटैटो आपने देखा होगा जब पोटैटो बहुत दिन के रखे हो जाते हैं तो उसमें से आई निकलनी शुरू हो जाती है. सपोज दिस इज द पोटैटो, यहां आपने देखा होगा व्हाइट या येलोइश ग्रीनिश कलर के ऐसे उसमें से आई निकलनी शुरू हो जाती है. अब अगर हम उस पोटैटो को सॉइल के अंदर प्लेस करेंगे देन व्हाट विल हैपन, यहां पर से एक न्यू, ये हमने सॉइल में रख दिया तो यहां पर से न्यू स्टेम, यहां रूट्स डेवलप हो जाएंगी और न्यू स्टेम इस आई में से निकलनी शुरू हो जाएगी. तो ये ट्यूबरस है, ट्यूबरस स्टेम है पोटैटो का. ट्यूबरस क्या होता है? जिसमें स्टोर्ड फूड होता है. तो यहां से एक न्यू पोटैटो. अब हम जरूरी नहीं है एक सिंगल पोटैटो में से मेनी न्यू प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस, बहुत सारे न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. जैसे इसमें इतनी सारी आईज हैं, अगर हम इसके पीसेस कर दें पोटैटो के, बट एवरी पीस मस्ट कंटेन दिस आई.
हम पीसेस करके इसको अलग अलग लगा दें सॉइल में और हर एक पीस में अगर आई है देन मैनी न्यू प्लांट्स कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम अ सिंगल पोटैटो. तो ये भी आपका एक स्टेम का ही एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विच इज डन थ्रू दी स्टेम. नेक्स्ट इज लीव्स. लीव्स से भी हम न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. कॉमन एग्जाम्पल इज ऑफ ब्रायोफिलम. लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम बियर एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन द लीफ मार्जिन्स विच डेवलप इंटू न्यू प्लांट्स. ब्रायोफिलम की लीफ होती है, इस तरह की लीफ है, यहाँ इसके लीफ मार्जिन्स पर बर्ड प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे बर्ड प्रेजेंट होते हैं एंड दीज बर्ड्स कैन ग्रो इंटू अ न्यू प्लांट. ये इसमें से या तो डिटैच हो जाते हैं, लीफ में से डिटैच होकर सॉइल में गिर जाते हैं और न्यू प्लांट डेवलप करते हैं. एंड इफ द होल लीफ, अगर ये होल लीफ भी गिर कर प्लांट से सेपरेट होकर डिटैच होकर सॉइल में गिर जाती है तो भी न्यू प्लांट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. So these are the methods by which the vegetative propagation can be done naturally. Now coming to the artificial methods of vegetative propagation. There are three methods by which vegetative propagation can be done artificially. These are cutting, layering and grafting. So let's understand all of these one by one in detail. First is cutting. It is also a very common method which we have seen in the rose plant. Rose plant जब हम grow करते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा rose plant grow करने के लिए हम जो भी रोज प्लांट ऑलरेडी ग्रो हुआ होता है उसकी एक स्टेम की कटिंग लेके सिंपल हम सॉइल में प्लेस कर देते हैं एंड वी विल गेट अ होल न्यू रोज प्लांट. उस एक छोटी सी स्टेम की कटिंग में से पूरा एक रोज प्लांट डेवलप हो जाता है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विच इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ कटिंग. सी हियर इन दिस अ पोर्शन ऑफ प्लांट इज कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल usually a stem or a leaf. कोई भी stem या leaf हम लेके और grow करते हैं क्योंकि इसमें उस portion को cut किया जाता है plant में से, इसलिए इसका नाम cutting रखा गया है. The new plant originates from the roots that grow from the cutting. जो न्यू प्लांट ग्रो हो रहे हैं उसमें से रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं. जो कट पोर्शन हमने लगाया था सॉइल में से उसमें न्यू रूट्स ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएंगी सॉइल में एंड अ होल न्यू प्लांट कैन बी ग्रो. एग्जाम्पल इज रोज और बनाना. रोज, बनाना और भी प्लांट्स हैं शुगर केन जो हम कटिंग के प्रोसेस से ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट मेथड इज लेयरिंग. लेयरिंग में क्या होता है, इन दिस द स्टेम ऑफ द प्लांट इज बेंट टू द ग्राउंड एंड कवर्ड विद सॉइल. किसी भी एक प्लांट की बड़ी सी स्टेम जिसमें लीव्स हो, काफी बड़ी स्टेम हमें लेनी है जिसमें लीव्स हो, उस स्टेम को हम क्या करेंगे, उस स्टेम को हम सॉइल के अंदर से उसको लेकर आएंगे. उसका कुछ पोर्शन स्टेम का जो मिडिल पोर्शन है उसको हमने सॉइल के अंदर करना है. लाइक दिस, ये एक प्लांट है, ये इसकी स्टेम है जिसमें लीव्स हैं. अब इस स्टेम का ये जो मिडिल पोर्शन था जो पहले ऊपर की साइड था इसको हमने सॉइल के अंदर प्लेस किया है. नाउ व्हाट विल हैपन, जब सॉइल में से इसको न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा, तो यहाँ पर जो सॉइल के अंदर जो स्टेम का पोर्शन था उसमें रूट्स ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएंगी and afterwards this will get detached from the parent plant and a new plant start growing. जो ये roots grow होने के बाद जो इसका parent plant था जिसमें से ये जिसकी ये stem थी ये अपने आप को detach कर लेगा और एक new plant grow होना start हो जाएगा. So like this the stem of the plant is bent to the ground and covered with the soil. ये हमने stem को bend करा soil में और इसको soil से cover कर दिया. Adventitious roots emerge from the plant parts covered with the soil. जो plant का part जो covered है soil से वहाँ roots निकलनी start हो गई and this the whole new plant can be grown by this process. इसको हम layering कहते हैं क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो ये grow हो रहा है इसकी layer कहते हैं इसे. Soil से हमने इसे cover करा है soil की layer से. So this method is called the layering method. Again क्या करते हैं हम, एक stem है, stem हमने एक बहुत
बड़ी स्टेम देखनी है, लॉन्ग काफी लंबी स्टेम हो, वो ताकि सॉइल के अंदर उसका जो मिडिल पोर्शन है कुछ पोर्शन हम सॉइल के अंदर कवर कर सकें। अब हमें वो स्टेम को पूरा, ये नहीं रूट, उसकी टिप हम उसमें ग्रो कर दें, पूरी सॉइल के अंदर हम उसे कवर कर दें। सिर्फ कुछ पोर्शन हमें सॉइल के अंदर कवर करना है, कुछ पोर्शन उसका सॉइल से बाहर होना चाहिए। तो ये जो सॉइल के अंदर पोर्शन है ये रूट्स डेवलप करेगा और न्यू प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज दैट ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच अ न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लांट, मीन्स टू प्लांट को ग्राफ्ट करके उसमें से एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है। सी हियर, इन दिस कटिंग फ्रॉम सम अदर प्लांट इज एडेड टू द प्लांट स्टेम एम्बेडेड इन द सॉइल। एक प्लांट है जो सॉइल में, पॉटेड प्लांट है जो सॉइल से अटैच है, इसमें हम दूसरे प्लांट की कटिंग को ऐड कर रहे हैं। तो जो प्लांट, जो पॉटेड प्लांट है जिसकी स्टेम में हम दूसरा प्लांट ग्राफ्ट कर रहे हैं, दैट इज द स्टॉक। और जो प्लांट हम ग्राफ्ट कर रहे हैं, जो दूसरा प्लांट हम पहले वाले पॉटेड प्लांट में लगा रहे हैं, दैट इज द स्कियन, मीन्स स्टॉक जो है वो सॉइल में लगा हुआ होता है, और जिस दूसरे प्लांट की कटिंग हम उसमें ऐड कर रहे हैं उसको हम स्कियन कहते हैं। द ग्राफ टिश्यूज बिकम इनकॉर्पोरेटेड विद द रूटेड प्लांट टिश्यूज एंड ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। अब इसमें क्या हुआ, ये स्कियन था, एक प्लांट की कटिंग थी, और ये हमारा स्टॉक है, जो कि स्टॉक कहते हैं जो सॉइल में प्लांट है, प्लांटेड है। तो इस क्यों को हम इस स्टॉक में हमने ग्राफ्ट कर दिया, ग्राफ्ट कर दिया मीन्स इसको इसमें एम्बेड करके किसी भी क्लॉथ से हमने उसको बांध दिया, सच दैट अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो इसके अंदर के टिश्यूज हैं वो एज अ सिंगल प्लांट काम करना स्टार्ट कर देंगे। जो इनके अंदर के जाइलम और फ्लोएम वेसल्स है वो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे एंड दे विल एक्ट एज अ सिंगल प्लांट। तो इनको जब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना लगेगा तो ये एक अलग प्लांट में ग्रो करेगा। इसका बेनिफिट क्या है, इसमें हम टू प्लांट की क्वालिटीज को एक सिंगल प्लांट में लेकर आ सकते हैं, इसलिए हम ग्राफ्टिंग प्रोसेस जो है यूज करते हैं, सो दैट वी कैन गेट द टू क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट प्लांट इन टू द सेम प्लांट। सो दिस इज द मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये जो हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड्स पढ़ी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, इनके क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, क्विक, चीपर एंड ईजियर मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट। सबसे पहले तो ये क्विक है, चीपर है और ईजियर है। ऑब्वियसली चीपर है क्योंकि हमें कोई भी न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए हमें मार्केट से कुछ परचेज नहीं करना पड़ रहा, जो ओल्ड प्लांट्स हैं हमें हमने उनमें से ही या तो कटिंग ली है या नेचुरली उन्हीं में से कोई प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, किसी की स्टेम ली है, किसी की लीफ ली है। क्विक है क्योंकि इससे जल्दी प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, हमें पूरा सॉइल से प्लांट निकलने का इंतजार नहीं करना पड़ता, तो नेचुरली ये क्विक मेथड है और ईजियर मेथड भी है। नेक्स्ट, मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन प्लांट। एक ही प्लांट से हम कई सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, लाइक आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ पोटैटो। पोटैटो में जो आईज थे उसमें मैंने आपको बताया था, उसको हम कट करके पोटैटो को मैनी पीसेस में कट करके हम उसको अलग अलग सॉइल में ग्रो करेंगे, तो जो हर एक आई है वो एक इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो हो जाएगी, न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएगी। तो एक ही प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। थर्ड इज, प्लांट बियर फ्लावर्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सीड्स से प्लांट प्रोड्यूस होते हैं तो उनमें जो फ्लावरिंग टाइम है वो थोड़ा लेट होता है एज कंपेरेटिव टू द प्लांट्स ग्रोन विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड से ग्रो किए गए हैं उनमें जल्दी फ्लावरिंग होती है। फोर्थ, बेटर क्वालिटी ईल्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस। बेटर क्वालिटी के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने इसमें बताया कि ये जो हमारे प्लांट थे, मान लीजिए इसको ऐसे समझिए, मेरे पास दो प्लांट हैं रोज के। एक जो रोज का प्लांट है उसमें फ्लावर बहुत अच्छे आते हैं, मतलब क्वालिटी फ्लावर की बहुत अच्छी है पर क्वांटिटी उतनी नहीं है, कम फ्लावर्स आते हैं।
और बेसिकली वो डिसीज रेजिस्टेंस है या उसमें कोई डिसीज है। जो दूसरा प्लांट है रोज का, उसमें कुछ और, उसमें जो है क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब उसमें प्लांट जो है बहुत सारे रोज के फ्लावर्स होते हैं, पर फ्लावर की जो क्वालिटी है, फ्लावर जो रोज का है वो अच्छा नहीं आता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं दोनों की क्वालिटीज को मिक्स कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड। अब एक प्लांट है जो डिसीज रेजिस्टेंट है पर उसमें कोई और क्वालिटी है, दूसरा प्लांट है जो डिसीज रेजिस्टेंट नहीं है पर उसमें क्वालिटी नहीं है, तो उन दोनों को हम मिक्स करके एक प्लांट ग्रो कर सकते हैं जो डिसीज रेजिस्टेंट नहीं होगा, मींस जो डिजायर्ड क्वालिटीज हमें चाहिए प्लांट में, दैट वी कैन पुट इन द न्यू प्लांट दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ दिस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमने पढ़ा। यहाँ आपका एसेक्सुअल मेथड्स कंप्लीट हो गए। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।